जय श्री श्याम बेटा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट की अपनों ने पहले क्लास के अंदर ये किया था कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद सेक्शन 10 के एसेंशियल पढ़े थे उन्होंने, ठीक है जी। अब अगला टॉपिक हमारा है कि एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वैसे क्या होता है, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, लोग इसे इंटरचेंजेबल वर्ड के रूप में यूज करते हैं। एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक ही बात मानते हैं। लेमैन की लैंग्वेज, लेमैन मतलब जो नॉर्मल लोग है जिसको उसकी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसको एक ही मानता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने भी शायद पढ़ने से पहले ये माना होगा कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, एक ही है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता लग गया प्रपोजल एक्सेप्टेंस है तो एग्रीमेंट है, अगर उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कराया जा सकता है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी इंटरचेंजेबल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस हल्का सा है वो आपको पता लग गया। अच्छा, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या एग्रीमेंट बनेगा, फिर क्या बनेगा। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो 100% इसका मतलब एग्रीमेंट है। हाँ है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन के ही कॉन्ट्रैक्ट बना है। कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब इन्फोर्सेबल है बाय लॉ है, इसका मतलब उससे पहले क्या हुआ, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस भी है। तो एग्रीमेंट है फिर वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी एग्रीमेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैं कहता 12th में एक बच्चा, अगर मैं अच्छा 12th में है, 10th पास है, कहता है ऑब्वियस है, जब 12th में तो 10th तो पास ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसने एक टेस्ट दिया था, वो टेस्ट उसका पास हो गया। क्या टेस्ट, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का। दूसरा टेस्ट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो भी पास हो गया, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कहता कि एक बच्चा बोलता कि कौन सी क्लास में, कहता सीए कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी स्टेज में, कहता इंटर में हूँ। इसमें हूँ इंटर में, फाउंडेशन होगी आपकी, आपको क्या, हाँ होगी, लेकिन मन में क्या सोचोगे कि इंटर में, इंटर में आता कब है, कोई बात नहीं, समझे। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट, हेलो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट, मतलब सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये नहीं है। हो सकता है वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो, इनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, इस वजह से वो क्या ना बने, कॉन्ट्रैक्ट है, ये हो सकता है। अब सुनो, अब इसमें ये बोलता है कि जितने सोशल एग्रीमेंट होते हैं, जितने पॉलिटिकल एग्रीमेंट होते हैं, समझ गए, वो एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। चुनाव में वादा करते ना, हम ये कर देंगे, सड़कें बना देंगे, नालियां बनवा देंगे, है ना। फिर उसके बाद जीतने के बाद आपको पता ही है, अब आप उस पे कोर्ट में केस करो कि जब आपने वो रैली निकाली थी या प्रोग्राम हुआ था हमारे मोहल्ले में, जब आपने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारी सीसी रोड बनाएगी, आपने बनवाई नहीं, मैं तेरे पे केस करूंगा। आपने प्रपोजल रखा था मैं ये बना दूँ, हमने कहा हाँ बना देना, एक्सेप्टेंस भी दी थी हमने। तो इन चीजों को बेटा, फैमिली होगी, फिर शाम को खाना खाना चलेंगे, दोस्त कहता, दूसरा कहता नहीं यार मेरे को, पहले कहता हाँ एग्रीमेंट हो गया, शाम कहता नहीं मेरे रिलेटिव आ रहे इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये फैमिली होगी, सोशल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, तो ये एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ही होते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये लिखा है इसके अंदर, ऑन कंपेयरिंग द मीनिंग ऑफ द टू टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, इट इज रिवील दैट, ये पता लगता है एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म्स। एग्रीमेंट क्या है, वाइडर, क्योंकि एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म्स, मतलब एग्रीमेंट वो भी है जो कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीमेंट वो भी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, तो एग्रीमेंट का दायरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, वाइडर टर्म्स। देन द टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसे क्या है, बड़ी है। दैट इज वे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट ऑल, इसलिए कोई एक्सपर्ट ये कहता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट। जो लेखक है, एक्सपर्ट है, ऑथर है, वो ये भी बोलते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब इसको रिवर्स कर दे तो ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नो रेटिंग, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये अब ये बता रहा है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट नहीं होते, ऑल एग्रीमेंट है जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। देखो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट आर, सभी एग्रीमेंट जो होते हैं बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगली बात सुन ले, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म देन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इंक्लूड वेराइटी ऑफ द एग्रीमेंट्स सच एज पर्सनल, सोशल, डोमेस्टिक, समझ आ गया, लॉफुल, अनलॉफुल, वॉइड, वॉइडेबल, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो किसी भी तरीके का हो सकता है, लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है ना, फैमिली भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, समझ रहे हो। अच्छा, सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ क्या होते हैं, इनफोर्सेबल होते हैं बाय लॉ,
एंड कुछ नहीं होते। दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर डेफिनेटली नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 2H। बोलो समझाएगी जाए। हैंस इट इज जनरली सेड दैट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच एग्रीमेंट आर गिवन टू शो दैट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कहते एग्रीमेंट तो सारे होते हैं, बताया वॉइड, वॉइडेबल, फैमिलियर, पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल, बट सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, ठीक है ना। अब कहता है कि सर्टेन एग्जाम्पल दे रहे हैं जो क्या रहेंगे बेटा, एग्रीमेंट ही रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। जैसे कि डोमेस्टिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विदाउट लीगल बाइंडिंग। बोला आपने कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन की, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, स्टैम्प पेपर पे ना लिख के व्हाइट पेपर पे लिख दी, तो लीगल कंप्लायंस नहीं की, स्टैम्प पेपर पे लिखने की। उस पर बायर के और सेलर के क्या नहीं है, साइन नहीं है। चलो बेटा डोमेस्टिक, पॉलिटिकल, कॉमर्शियल, ठीक है, जो लीगल बाइंडिंग नहीं की इसके ऊपर, क्या नहीं की बेटा, लीगल बाइंडिंग नहीं की, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट पोजेसिंग ऑल एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी एग्रीमेंट ने सारे एसेंशियल पूरे नहीं किए, जैसे उसमें सर्टेनिटी नहीं है या उसमें फ्री कंसेंट नहीं है, समझ रहे हो, जो लो फुल ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी एसेंशियल क्या है, कम है, ठीक है जी। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू वॉइड, कहते कुछ एग्रीमेंट ये कि जो कानून में स्पष्ट रूप से बता रखा है कि ये वॉइड है, जैसे कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो, तो पैसे दे के नहीं ले सकते, है ना, ये लो ये बच्चा गोद लेना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, लॉफुल है कि बच्चा गोद लिया, अनाथ आश्रम से लिया या किसी से लिया, गोद ले सकते, बट पैसे दे के गोद ले रहे हो, इट मीन्स बच्चा सेल परचेज हो रहा है, गलत जाएगा ना इंटेंशन समाज के अंदर, समझ लो। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, हमारे लॉ में इसको एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी, हमारे किसी भी लॉ में एक्सेप्ट नहीं करते इसको, ठीक है जी। एग्रीमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक एग्रीमेंट किया है कि हम भविष्य में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, भविष्य में जो करोगे जब बनेगा वो, तो ये एग्जाम्पल किसके थे बेटा, एग्रीमेंट, टॉपिक समझ आ गया। चलिए श्याम, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लीगलिटी, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, देखो वर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई, ओब्लिक करके क्या लिखा है, एग्रीमेंट, ये क्यों लिखा है सुनो बेटा, बहुत सी बुक में ना देखो आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट लगभग क्या है, सेम टर्मोलॉजी है, हल्का सा फर्क है, क्योंकि 90% क्या, सिंपली बोलो कि जब कोई एग्रीमेंट करता है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए करता है ना, समझ लो, तो इसलिए क्या करता है, क्लासिफिकेशन करते टाइम, ध्यान सुनना, क्लासिफिकेशन करते टाइम वो कहता है कि क्लासिफिकेशन करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो मतलब ये कहता दो बार क्लासिफाई नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो जो कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट की होती है वही किसकी होती है, एग्रीमेंट की होती है। मैं ये कह दूं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, फिर ये मैं बोलूं एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो वही बात बताऊंगा जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया, कारण क्योंकि टाइप तो वही है, फिर बात समझे या नहीं समझे। तो क्वेश्चन कई बार लिखता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कई बार लिखता है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, या क्वेश्चन में कई बार आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओब्लिक एग्रीमेंट, तो क्लासिफिकेशन चाहिए इसका हो चाहिए, आंसर यही है, क्योंकि दोनों लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप, कितने टाइप के, अब सुनो, अब ये कहता है कि हम इनमें डिफरेंस करेंगे कितने टाइप के हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप दो स्टूडेंट हो, ठीक है, मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस करो, क्लासिफिकेशन करो, डिफरेंस हो गया, अच्छा तो क्या करें, मैं कहिए बताओ कौन इंटेलिजेंट है, वो कहता है ये बच्चा इंटेलिजेंट है ये नहीं है, हो गया डिफरेंस, मैं कहा दोबारा करो, फिर कैसे करें, अब मैं क्या, पहले मैंने बेस किसको माना था, इंटेलिजेंसी को, अब मैं कहता हूँ चलो हाइट के हिसाब से बताओ, बच्चा कहता है इसकी हाइट ज्यादा है इसकी कम है, फॉर एग्जाम्पल, हो गया, फिर मैं क्या और बताओ इनमें से कौन तेज रेस में दौड़ता है, वो कहता है ये दौड़ता है ये नहीं दौड़ता, मतलब डिफरेंस उन्हीं में हो रहा है लेकिन बार बार बेस क्या हो रहा है। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का ही होगा,
लेकिन पहले क्या बेस लेके कर रहा है, वैलिडिटी के आधार पे। किसके बेस पे? वैलिडिटी। समझा क्या? ये देखो जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू इनफोर्सिबिलिटी। किसके बेटा? इनफोर्सिबिलिटी। इनफोर्सिबिलिटी या लीगलिटी का मतलब सेम होता है, जिसको इनफोर्सिबिलिटी आप समझते हो, इनफोर्सिबिलिटी समझते हो या नहीं समझते? समझते, इनफोर्स करवा सकते हैं। मतलब लीगल, इनफोर्सेबल का मतलब लीगल, कानूनी। मतलब कानूनी जो वैध है, कानूनी जो वैलिड है, वो कितने टाइप के हो सकते हैं? लीगलिटी के हिसाब से कितने हो सकते हैं? लीगलिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का हो सकता है? नंबर वन, एक वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो वैलिड है, जो क्या है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो वॉइड है। कानून की नजर में वैलिड होता है, कानून की नजर में वॉइड होता है। तो लीगलिटी के बेस पे कितने हो गए? दो हो गए, वैलिड और वॉइड। बट वॉइड बताते समय कॉन्ट्रैक्ट मत लिखना, एग्रीमेंट मत लिखना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट। अगर मान लो कोई चीज वॉइड है, कोई चीज क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी नहीं, फिर वो क्या रहेगी? एग्रीमेंट रहेगी। समझा क्या? तो इसलिए इसने लिखा है वैलिड एग्रीमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दिया इसके आगे, वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मत लिखना। क्या लिखना? क्योंकि जो वॉइड होगी वो तो देना, सर ये तो एग्रीमेंट का लिख दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट का लिख दिया, क्लासिफिकेशन दोनों का है ना साथ में, बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो लीगलिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्या बताया मैंने, ध्यान से सुना। नंबर वन वैलिड, नंबर टू वॉइड, अभी बताऊंगा इसका, नंबर थ्री वॉइडेबल, ठीक है जी। नंबर थ्री क्या बेटा? वॉइडेबल। सुनो पहले पिक्चर क्लियर करते हैं फिर समझाएंगे। वॉइडेबल, अच्छा वॉइड है क्या? बताऊंगा। नंबर नंबर वन क्या था अपना? वैलिड। नंबर टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर थ्री एग्रीमेंट। नंबर थ्री वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर फोर वॉइडेबल। और नंबर फाइव, नंबर फाइव था जरूर इलीगल एग्रीमेंट, था ना, मेरे को तो पता है बेटा, पांच है इलीगल एग्रीमेंट। ये पांच होगा, एक एक मीनिंग समझाऊंगा, टाइम से बदलो। पहले लिख दिया होगा अनइनफोर्सेबल, वो लीगलिटी में आ जाते हैं, अलग लिख दिया अनइनफोर्सेबल। बात समझ आ गई? ये छह हैं, इसलिए ये दो पेज में ना इनको पहले क्लियर कर दो। कितने हो गए? छह, इलीगल और अनइनफोर्सेबल। देखो वैसे इसने उसका सब डिवीजन कर दिया, जो इलीगल होगा वो अनइनफोर्सेबल ही होगा, लेकिन बढ़िया हमें एक पॉइंट और मिल रहा है। तो पहले तो इसको माइंड में सेट करो, नंबर वन वैलिड, आगे लगा देना वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पूरा बोलना पड़ेगा, वॉइड वॉइड जगह तो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीन, नंबर चार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर पांच इलीगल और अनइनफोर्स्ड। ये छह हो गए, ये छह किसके ऊपर हो गए? लीगलिटी क्लासिफिकेशन है किस किसके आधार पे? लीगलिटी के या इनफोर्सेबिलिटी के बेस पे। अगर क्वेश्चन बोल दे कि लीगलिटी और इनफोर्सेबिलिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, तो आपको ये छह लिखना है। बोलो समझ आ गया? अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको रीड आप घर पे करना, मैं एक एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है? और प्लीज आज वाला आज ही रीड कर लेना, कल पे मत लेके जाना। सबसे पहले आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे, वैलिड एग्रीमेंट। अब देखो वैलिड क्या होता है, जो एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सभी एसेंशियल कंप्लीट है, वो क्या होगा? वैलिड होगा। जो इन द आईज ऑफ लॉ क्या है? वैलिड है, वो क्या है? वैलिड है। ये लिखा हुआ है देखो, वैलिड एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट गिव्स राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द होल पार्टी, इट्स सच एन एग्रीमेंट पजेस ऑल एसेंशियल ऑफ ए, सेक्शन 10 में बता रखी, तो वो वैलिड हो गया। अब आता है वॉइड एग्रीमेंट, क्या आता है बेटा? आप सुनना, अभी हो गया वैलिड, वैलिड तो हो गया, समझ आ गया? अब आता है वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हम इनफोर्सेबल नहीं करवा सकते वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट रहेगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आगे बात समझ, बोलो बेटा। अब वॉइड एग्रीमेंट में तो किसी को दिक्कत नहीं है, जो इनफोर्सेबल नहीं करवा सकते, जैसे कि फैमिलियर, सोशल, डोमेस्टिक, पॉलिटिकल, ठीक है जी। चलिए उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट में से ये और बताया है, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग,
कई कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, वॉइड स्टार्टिंग से ही होते हैं, वॉइड फ्रॉम जब आपने किया उसी टाइम से वॉइड है उसी, मतलब जब कॉन्टैक्ट किया तभी पता रहा, अरे भाई मत कर, अरे मत कर, मैं करूंगा मैं तो कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट, अरे वॉइड है इसकी वैल्यू नहीं है, कह नहीं हमने करना है एग्रीमेंट, जैसे कि माइनर के साथ किया है ना। तो जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं उसे हम बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो, लेटिन वर्ड में ये वर्ड फेमस है वॉइड अब इनिशियो, जैसे वो उबन में फेरी पड़ा उन्होंने है ना, जस्ट इन टाइम पड़ा, ये लेटिन वर्ड होते हैं। तो वॉइड बिगिनिंग से ही वॉइड, उसको क्या बोलते हैं फेमस वर्ड में वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब द एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन और इधर पार्टी, उसको क्या बोलते हैं, ना ही उनका कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता, ना कोई लेना ना कोई देना, वो वॉइड रहेगा शुरुआत से। अब कहता है नो रेस्टिट्यूशन कैन बी ग्रांटेड एनी कंसीडरेशन पास्ड ऑन बाय पार्टी टू ईच अदर कांट बी जनरली रिस्टोर्ड। समझा कि मैंने, अब कोई वॉइड था तो उसमें ठीक है वॉइड है वो हो गया बस बात खत्म, ठीक है ना। आप वॉइड एग्रीमेंट करते हो उसके बाद कोर्ट गए थोड़े कहे तू चोरी की, हमने पैसे नहीं दिए, कहते आधे आधे करो, ये करो वो करो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहते हम दोनों चोरी करने गए थे, जैसा आधा आधा पैसा नहीं बांट रहा, एग्जांपल दिया था ना कि हमारे चोरी के पैसे में हमने कह रहा हम चोरी करके लाएंगे, जो पैसे आएगा आधा आधा करेंगे, अब जज उनका बंटवारा करवाएगा चोरी के पैसे का, कहेगा आधे तू ले जा आधे तू ले जा, ऐसे कहेगा, वो पैसे जब्त कर लेगा कोर्ट कर लेगा और जिसके घर चोरी उसकी देगा। अब उन दोनों का झगड़ा हो गया दोनों अलग, वो कहते जज साहब ठीक है चलो ठीक है जेल होगी, कहते जेल तू तो कर लेना कोई बात नहीं, बात सुनो पहले कि हम चोरी करने गए तब मैंने मेरी बाइक पे 200 का पेट्रोल डलाया था, उस वो तो 100 रुपये इससे दिलवा दो, गवर्नमेंट कहेगा इसके 100 रुपये वापिस दे, कुछ नहीं कहेगा गवर्नमेंट, बोलो बात है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, अभी मैं मेरे कॉन्टैक्ट करने, हम दोनों ने कॉन्टैक्ट करने से पहले मेरे पास 200 रुपये थे, अब नहीं है, मेरे को वापिस 200 दिला दो, इससे कॉन्टैक्ट यही कोर्ट यही थोड़ा करेगा, तो इसमें जनरली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। समझ आई मेरी बात क्या, वैलिड वॉइड एग्रीमेंट हो गया, समझे वॉइड एग्रीमेंट का। अब आप कन्फ्यूज मत होना वॉइड दोनों में क्या फर्क है, मैं अभी बता रहा हूँ, वॉइड एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब सुनना बेटा दिमाग से फर्क, कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा, लेकिन बाद में ऐसी घटना घटित होती है, ऐसा इवेंट अक्सर होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता, वो होता है वॉइड। सुनो मैंने राइटर के एग्जांपल दिया था, एक राइटर है हमारा लॉ का बहुत अच्छा डॉक्टर आरएस नौलखा, जो लॉ की बुक लिखता है आरएस नौलखा, मैंने बहुत पढ़ी हुई उनकी बुक्स, जैसे मैं नोट्स वोट्स भी बनाता हूँ तो मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ फिर उस हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने किसी पब्लिशर से, किससे बेटा पब्लिशर समझते हो जो बुक छापता है, उन्होंने कहा कि नौलखा जी हमारे लिए आप एक बुक लिख दो लॉ की, हम छापेंगे, क्या लिख दूंगा, वो कहते हैं ठीक है हम आपको रॉयल्टी मिलती है बेटा बुक लिखने में, आपको पता ही है क्या मिलती है रॉयल्टी, ऑथर ने बुक लिखी है मेहनत की है तो उसको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो कहते ठीक है भाई जो सेल प्राइस रखोगे बुक का उसका 20% मेरे को दे देना रॉयल्टी, समझ में आ गई, ठीक है दे देंगे। अब नौलखा जी ने बुक लिखी, प्रपोजल हुआ लिख दूंगा, कंसिडरेशन सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेटर में लिख लिया तो हो गया, उन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट की, 2-3 चैप्टर लिखे थे और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उनकी डेथ होगी, क्या होगी डेथ होगी, बुक बीच में रहेगी, सब कुछ हो गया। अब पब्लिशर आता है उसके हाउस पे, उनकी वाइफ मिलती है, कह जी बुक, कहता जी नौलखा जी लिख रहे थे, कहते ये बुक तो लिखनी पड़ेगी, आपके हस्बैंड ने कॉन्टैक्ट किया था, आप लिख दो, कहता जी सॉरी मैं आर्ट्स स्ट्रीम से, मैंने लॉ कभी पढ़ी नहीं, मेरे को लॉ की नॉलेज ही नहीं है, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ मेरा कभी, कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, जब कॉन्टैक्ट किया था वैलिड था, नौलखा जी थे वो थे कंसीडरेशन था लीगल काम था सब कुछ, बुक लिखना लीगल है, कॉन्टैक्ट क्या था, लेकिन बाद में कोई ऐसा इवेंट अक्कर हुआ कि जिससे वो कॉन्टैक्ट पूरा नहीं किया गया, तो वो कॉन्टैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्टैक्ट, बोलो बात समझ आएगी, क्लियर, ये लिखा हुआ है क्या होगा, कॉन्टैक्ट बिकम वॉइड हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन इज अलाउड, बिल्कुल लगेगा रेस्टिट्यूशन, मान लीजिए उसने कुछ लिख दिया है और पब्लिशर कहता चलो जो लिख दिया उतना तो दे दो आगे हम किसी और से लिखवाएंगे,
वाई पे की जो लिखा उसके थोड़ी पेमेंट भी दे दो फिर, समझ रहे हो? या वो कॉन्टैक्ट कैंसिल हो जाता है और लिखा हुआ था कि कोई एडवांस मनी ली हुई थी उन्होंने और बुक लिखनी स्टार्ट नहीं की थी मान लो, तो वापस देनी पड़ेगी, तो इसमें रेस्टोरेंट लग जाएगा। पेमेंट और कंपनसेशन फॉर परफॉर्मेंस, एनी पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांस वो बेटा देनी पड़ेगी, समझा क्या? या उसके लिए काम करना पड़ेगा बेटा। अच्छा वो क्या, एनी पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांस, हाँ एडवांस ही बोल रहा हूँ, गलत बोल गया था क्या? एडवांस एडवांटेज एक ही, उसने कोई पार्टी ने एडवांटेज ली हुई थी मतलब कोई एडवांस पैसा लिया होता, ये समझा रहा हूँ, सही है ठीक है? मतलब किसी पार्टी ने कोई क्या ले रखी है, एडवांटेज ले रखी है, एडवांस पैसा ले रखा है ठीक है। बाय वे ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, दैट इज विच लेटर ऑन बिकम वॉइड इज आल्सो बाउंड टू पे और मेक कंपनसेशन टू मेक द परफॉर्मेंस रिसीव्ड, मतलब वो पैसे वापस देने पड़ेंगे या उतना काम करके दिया होगा ठीक है जी। ये समझ आ गया बेटा किसी को? तो मेनली समझ में आ गया होगा वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ठीक है, और जो मतलब इन्फोर्सेबल था ही नहीं वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो जब करते टाइम तो ऐसी कोई घटना होगी कि अब नहीं हो सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए। ये दोनों में बेटा डिफरेंस बता रखा है आपको, ये रीड कर लेना डिफरेंस ठीक है। डिफरेंस बिल्कुल लीजिए सुन लो, ये इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। ये क्या होता है, इन्फोर्सेबल होता है ऐसा कोई घटना घटित हो जाती है कि इसको इन्फोर्स सीज हो जाता है, सीज टू बी इन्फोर्सेबल मतलब इसको इन्फोर्स कराना क्या होता है, सीज हो जाता है। पहले तो था ये स्टार्टिंग से क्या होता है अनइन्फोर्सेबल, ये होता है इन्फोर्सेबल बट सीज टू इन्फोर्मेशन, मतलब बाद में ऐसा होता है कि इसको इन्फोर्स कराया नहीं जा सकता। अब वो राइटर कह ही नहीं सकता कि उसकी वाइफ को आप लिखो, वो सीज टू इन्फोर्स मतलब इन्फोर्स कराना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पहले इन्फोर्सेबल था, अब इन्फोर्स कराना खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्टार्टिंग से अनइन्फोर्सेबल होता है ठीक है जी। अब ये बिगिनिंग से होता है, ये बाद में होता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या स्टार्टिंग से ही होता है और ये कब बनता है, बाद में ठीक है। उसके बाद इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है, हो गया फर्क। और सच एग्रीमेंट हैज बीन मेंशन इन द वॉइड इन द एक्ट ठीक है जी, एक्ट के अंदर मेंशन है। देयर इज नो मेंशन इन द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्ट, कहता वॉइड एग्रीमेंट के बारे में तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है, समझा कि ये डिफरेंस है। पहला कौन सा गया वैलिड, दूसरा तीसरा वॉइड आ रहा दिमाग, फोर्थ वॉइडेबल, ये अब आपके लिए नया नहीं है वॉइडेबल, हालांकि मैंने आगे चैप्टर पढ़ा दिया था कई बार था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने, ए और बी, लेकिन उसमें किसी पार्टी के साथ गलत हुआ है, जैसे जबरदस्ती साइन करवा लिए या किसी भी वजह से, फ्रॉड की वजह से या मिस रिप्रेजेंटेशन, अब तो वर्ड यूज कर सकता हूँ पढ़ा रखा है, फ्रॉड किया उसके साथ या क्या क्या मिस रिप्रेजेंटेशन किया ठीक है, उससे साइन करवा लिए, कॉन्टैक्ट हो गया हो गया, लेकिन एक पार्टी के साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, वो कहलाएगी एग्रीड पार्टी या इंजर्ड पार्टी, वो क्या कहलाएगी, कॉन्टैक्ट तो हो गया। अब मान लीजिए किसी से प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए पिस्टल रख के, एग्रीमेंट कॉन्टैक्ट तो हो गया, अब वो क्या उसके पास क्या है, या तो चुपचाप घर जाके बैठ जाएगा, चल ठीक है यार अपने नहीं पंगे लेते, बात समझ रहे हो, या वो कोर्ट में जाए आवाज उठाए केस लड़ेगी, वैसे जबरदस्ती साइन कराए, वो तो उसकी इच्छा है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि सुनना, जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पार्टी के साथ गलत होता है, वो एग्रीड पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड पार्टी की डिजायर पर, किसकी डिजायर पर, दूसरे के साथ नहीं, सिर्फ किसकी इच्छा पर, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड पार्टी की वॉइड होता है, एग्रीड पार्टी की इच्छा पर क्या होता है, वॉइड होता है, उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब वॉइड करवाएगा लेकिन कौन करवा सकता है, एग्रीड पार्टी, तब वो वॉइडेबल है। सर वॉइड तो हमने पढ़ लिया, अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ अगर एग्रीड पार्टी वॉइड करवा सकती है ना तो उसे वॉइडेबल बोलते हैं। वॉइडेबल इसलिए कि व्यर्थ कराने लायक है, वो चाहे तो करवा सकता है,
वो वॉइड कराने लायक तो है, लेकिन उसकी इच्छा पे है भाई वो कराएगा या नहीं कराएगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा उस पर डिपेंड करता है। वो कहता छोड़ यार अपने नहीं पंगे लेते हैं आगे, और टेंशन बहुत है ये और पैदा हो जाएगी, अगले की पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन ऑफ मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। मतलब जो एक या एक से ज्यादा पार्टियों की इच्छा पर होता है लेकिन दूसरे भी नहीं होता। अब बच्चा कहता एक या एक से ज्यादा कैसे हुआ, मान ली दो जनों की प्रॉपर्टी थी दोनों में पिस्टल रख के कराया, तो एग्रीड पार्टी कितनी होगी, दो होगी, समझ रहे बात को। देयरफॉर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी टू टाइप, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक तो वॉइडेबल वो जो बिगिनिंग से ही हो, स्टार्टिंग से, और एक वो हो जो बाद में हो, कोई नहीं बात है। देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विच आर वॉइडेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट इज सो व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कोड इधर बाय। कहते जो बिगिनिंग से ही वॉइडेबल होते हैं वो, उनकी जो कंसेंट है ना वो किस कारण से है, धमकी, कोरिजन, अंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट, आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, सब में दादागिरी है। ठीक है, वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली, एक तो वॉइडेबल वो जो स्टार्टिंग से होते हैं, एक वॉइडेबल स्टार्टिंग से मतलब वो जब चाहे जब वॉइडेबल करा, एक वो कोई ऐसा ही इवेंट अक्कर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना। वो था, वो क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और वॉइडेबल भी कब हुआ, सब्सिक्वेंटली। अब देखो, किसी पार्टी ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मकान भेजो, ओके भेज दूंगा, कितने में, कहता है 1,00,000 में, एग्रीमेंट हो गया, ओके डन डन। वो उसने उसको 20,000 रुपये दिए, ये लो जी 20,000 एडवांस, और 80,000 रुपये आपसे, इधर ध्यान दे बेटा, 80,000 रुपये आपसे मैं एक महीने बाद दे दूंगा, और आपके मकान पर पोजिशन ले लूंगा, कब्जा ले लूंगा, ओके। बोले वैलिड है या नहीं वैलिड है, उसने 20,000 दे दिए। अब एक महीने बाद जब आया, वैलिड है ना, 80,000 वो लेने थे, 60,000 दे दिए, कहते साइन करो। कहता एक ही बात हुई थी, 20 दिए हुए, 60 और 80 हुए, क्या साइन कर रहा है, क्यों कर रहा, इतना ही है मेरे पास। बोला दादागिरी कब की उसने, बाद में। अब जिस दिन उसने ये किया ना, कर रहा है या नहीं कर रहा, उस दिन के बाद से वो क्या करवा सकता है, इंजर्ड हो गया। पहले तो इंजर्ड नहीं था, पहले तो यह था 20 दिए 80 और देगा, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र थे, फ्री थे, लेकिन उस दिन वो तो कहानी कर गया, क्या कर साइन करे, समझ गए। तो उस दिन उसके साथ वो, उस दिन वो पार्टी क्या बन जाएगी, इंजर्ड, एग्रीड, उसके बाद वो उसको करा सकती है। हाँ ये वो अलग है, ये अलग है, सजी को होता है, हाँ ऐसे बार बार पढ़ोगे आ जाएगा। वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली, समझा गया क्या, देयर आर सर्टेन केस वेयर वन पार्ट में बी ट्रीटेड ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, इन अदर वर्ड्स व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इलेक्टेड टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड, देन सच ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली इन द फॉलोइंग थ्री सर्कमस्टांसेस। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया जिसमें सारी बातें क्लियर कर दी। ठीक है, ये लैंग्वेज लिखते हैं, आपको डिट्टो लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बस सीधी सी बात ही है। कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली, कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइडेबल बनता है, तीन केसेज के आधार में। बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली फर्क पता लग गया, देखो क्या कर रहा है, ऑन रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस। अब मान लो जिसने 20,000 लिए थे और 20,000 लिए थे, वो पावरफुल है मान लो, अब वो आया बेचारे का, भाई साहब ये लो पैसे और साइन करो, कर नहीं करता, कहते आप 20,000 दिए, कहते कब दिए थे, तो यार उस दिन दिए थे तो मेरे को याद नहीं है, रात में बात में मेरे को याद नहीं है, बोलो गलत हो रहा है कि नहीं। अब जिस दिन उसको मना किया उसने, उस दिन जब वो कोर्ट में जा सकता है कि जज साहब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, तो मेरी साई के पैसे जो एडवांस बनी दी हुए मेरे को, वो डबल करके वापस लाओ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता डबल देगा वापस अगर वो मना करता है तो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कहता है कि अगर ऑन रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया वो भी वही था, उसमें वो रिफ्यूजल ही तो कर रहा है, उसको देने के थे 80 दे रहा है, 60 कहता 20 नहीं देता, सब्सिक्वेंटली मना कर रहा है, तो वो दूसरी पार्टी क्या होगी, एग्रीड होगी बेटा, अगर वो बाद में क्या कर रहे हैं, रिफ्यूजल कर दे। नंबर टू, व्हेन ए पार्टी प्रिवेंट अनदर फ्रॉम द परफॉर्मिंग, व्हेन ए पार्टी प्रिवेंट अनदर फ्रॉम परफॉर्मिंग,
एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोकती है। समझाया? समझा क्या गया? तो वो भी अब मान लीजिए उसमें बाद में मेरे एग्जांपल वही लेके चलूंगा, 20,000 दिए थे, वैलिड था उस टाइम। जब वो जब रजिस्ट्री की टाइम आया तो कहते भाई साहब 80,000 रुपये ले लो, रजिस्ट्री कराओ मेरे नाम, बता ऐसे कर बिहारी के ढाबे पे आ जा। आ गया, कहते भाई साहब यही बैठा हूँ आ जाओ, कहते यार मैं तो बठिंडा निकल गया, ऐसे कर तू रोज गार्डन आ जा बठिंडा में। कहता यार मैं तो यहाँ से निकल गया, मैं तो मित्तल मॉल में हूँ, यहाँ आ जा बठिंडा में मित्तल मॉल। कह यार गंगानगर वापस आ गया मैं तो। बोलो जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म इंजर्ड हो रहा है कि अरे बहुत है गर्मी बहुत है। When a party prevent another from performing, अगर आपको लगता है हम भूल जाएंगे, जो एग्जाम्पल दो हल्का सा हिंट लिख दिया करो, दिमाग में याद रहेगा। बोलो दूसरी पार्टी रोक रही है नहीं रोक रही, ठीक है। When a party failed to perform within a specific, उसको कहा एक महीने बाद पैसे दे देना और मकान लेना, छह महीने तक आया ही नहीं, छह महीने बाद आया क्या, भाई साहब ये पैसे लो रजिस्ट्री कराओ यार, मैं थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, ये हो गई। अब वो उसकी इच्छा है इंजर्ड पार्टी को, उसको पेमेंट नहीं मिली टाइम पे, अगर वो चाहे कि ठीक है तो ले ले कर दे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकता है, वॉइडेबल। कब से करवा सकता है? जिस दिन वो रजिस्ट्री की डेट थी उसके बाद से उसको वॉइडेबल करवा सकता है, क्योंकि टाइम पे पेमेंट नहीं मिली। बोलो समझ आएगी नहीं? तो वही बात है, एक तो वॉइडेबल वो होते हैं जो करते टाइम ये लगता है कि वॉइडेबल है, जिसमें ये है अंडर इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन। और एक वो होते हैं कि करते टाइम तो वैलिड थे लेकिन बाद में अवॉइडेबल करा सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटना घटित कर रही है पार्टी को ही, दूसरे को इंजर्ड कर रही है, एग्रीड कर रही है, आघात पहुंचा रही है दूसरे को, बहुत दिल दुखाया उसको, उसने पैसे टाइम पे दिए ही नहीं। समझो, चलिए समझ आ गई, पढ़ना पड़ेगा घर जाके पहले उतार। इसलिए बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेटा बेटा इफेक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन द एग्रीड पार्टी। अब बेटा वो एग्रीड पार्टी जिसके साथ गलत हो रहा वही बताएगी वॉइडेबल करना या नहीं करना, ठीक है जी। वैलिडिटी रिजाइन, जब तक वो मना नहीं करता तब तक वैलिड है, उसके मना करने के बाद ही क्या होगा? अदर पार्टी रिवील फ्रॉम द परफॉर्मिंग, अदर पार्टी रिलीव फ्रॉम परफॉर्मिंग। अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, एग्रीड पार्टी क्या डिक्लेयर कर जाती है, वॉइड डिक्लेयर करवा देती है कि मेरे साथ गलत हुआ था जी, वॉइड करो, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर उससे फ्री हो जाती है उसको परफॉर्म करने के लिए, अब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है परफॉर्म करने। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? रेस्टिट्यूशन लगेगा, रेस्टिट्यूशन कंपनसेशन अलाउड इफ एग्रीड पार्टी रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रेस्टिट्यूशन कंपनसेशन इज अलाउड इफ एग्रीड पार्टी रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा लिया, वॉइडेबल करा लिया, तो रेस्टिट्यूशन लगेगा, कोर्ट देखेगा किसको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए और किसको मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है जी। ये फोर्थ हो गया हमारा, कौन सा हो गया, क्या है इसमें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा डिटेल में था उसमें, बिगनिंग से है बाद में, दोबारा रिवाइज करो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल। आगे समझे, अब वॉइड एग्रीमेंट ध्यान से सुन लेना, डिफरेंस आप डिफरेंस पता कब कर पाओगे, जब रट्टा मारोगे तब नहीं, जब आप उसकी मीनिंग पे चले जाओगे। अब मैंने ये पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट, मेरे दिमाग में आ गया जो इन्फोर्सेबल नहीं होते वो वॉइड होते हैं, उसके बारे में लिखना मैंने, और लगाया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो करते टाइम तो जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वैलिड है लेकिन एग्रीड पार्टी की इच्छा पे क्या है खत्म हो जाएंगे वो, और वो बिगनिंग से भी होते हैं। हाँ, इधर वो लिखना, इधर वो लिखना, अब हो जाएगा ठीक। अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो अब सुनो, अब हो जाएगा, आ गया ये देख, पहली डेफिनेशन इन्फोर्सेबल नहीं होते, ये क्या है, इन्फोर्सेबल होते हैं बट किसके ऑप्शन में नहीं होते, हो गया कि नहीं हो गया? पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो दोनों की डेफिनेशन क्या है, अलग है। कभी भी डिफरेंस पूछे तो उनकी डेफिनेशन दोनों की क्या होगी, अलग अलग, पहला डिफरेंस वही लिखना। दूसरा, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, बताओ ये स्टार्टिंग से ही होता है बेटा,
और ये स्टार्टिंग से भी हो सकता है और सब्सिक्वेंटली भी हो सकता है, डिफरेंस बन गया कि नहीं बन गया। तो खुद से इतने डिफरेंस याद थोड़े होंगे, खुद से बनाने होते हैं और जबरदस्ती वाले नहीं बनाने होते। थर्ड लीगल एग्जिस्टेंस, अब देखो इट इज नलिटी, मतलब जीरो है ये, शून्य है, नल है वो, बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वर्ल्ड एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं, स्टार्टिंग से क्या है, नल है वो, मतलब शून्य है, जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा ये एग्जिस्ट करता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, वो तो एग्री टू पार्टी पर डिपेंड करती है, नल करवाए या ना करवाए। समझ आ गई मेरी बात? चेंज स्टेटस, इसका कोई स्टेटस चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग से स्टेटस होता है वॉइड। हाँ वो कॉन्टेक्ट किया, उन दोनों में है, वो वैलिड है, अब वो एग्रीड पार्टी उसका स्टेटस चेंज करवा सकती है वॉइडेबल करवा के। अगर वो नहीं बोलेगा तो वो कॉन्टेक्ट वैलिड है ना, अगर वो कहेगा जज साहब मेरे से नाइन साहब हुई है, गलत साइन कराए हैं जबरदस्ती, तो बताओ वो उस कॉन्टेक्ट का क्या चेंज करवा रहा है, स्टेटस चेंज करा है कि इसको वॉइडेबल करो, इसको वैलिड मत रखो, इसको क्या करो, वॉइडेबल करो, इसका स्टेटस चेंज करो। सर आप इसको सही समझते, बदमाश है ये, इसका स्टेटस चेंज करो आप अपनी नजर में, समझ आया कि नहीं आया? पांच छह सात आठ पढ़ लोगे, ये इसके डिफरेंस है। अगला बेटा डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्टेंट, सर जिसे कोई डिफरेंस नहीं छोटा। हाँ अब सुनो, पहला क्या वॉइड कॉन्टेंट, हाँ नो लखा वाला था वॉइड, करते टाइम तो वैलिड है, बाद में कोई ऐसी सरकम उठा चाहिए, वॉइडेबल है अग्रीड पार्टी वाला लिख दोगे, पहली तो डेफिनेशन ही होगी, बोलो होगी या नहीं होगी। दूसरा क्या है पीरियड, पीरियड जब वो इसमें कोई ऐसा इवेंट क्या होता है अक्कर होता है, और इसमें क्या होता है एग्री पार्टी की इच्छा को होता था, वो बिगिनिंग से भी हो सकता है, और मान लो इसने थोड़ा लिखा था आप और भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, लेकिन होनी सही सही चाहिए उसके बारे में बात। विल ऑफ द पार्टी, कहते पार्टी की इच्छा भी होता है, यहाँ इच्छा चलती है यहाँ इच्छा नहीं चलती, वहां तो कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है वॉइड। अब वो कहता है कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, अब पब्लिशर चाहता है कि कॉन्टेक्ट को वैलिड रख लो, कैसे रख लो बताओ, बुक लिखनी आती थी उसकी वाइफ को, कैसे वैलिड हो जाएगा बताओ, वो तो वॉइड होगा। कहता मेरी इच्छा तो वैलिड कराने की, कहता तेरी इच्छा चल कुछ कर रहा है वॉइड है, इच्छा नहीं चलती, इच्छा उसमें चलती है, बोलो बात समझाएंगे। कॉन्टेक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांस, और ये बेटा कब चेंज इन्फ्लुएंस होता है उसका, इसमें सर्कमस्टांस भी होती है, फ्रॉड कोरिजन वगैरह से। आगे बात में ये क्या था बेटा, बेटा डिफरेंस है ना रियलिटी बताऊंगा, आपको मीनिंग समझ आ गया डिफरेंस आप खुद लिख सकते हो, बट डिफरेंस में ये याद रखना है आप डिफरेंस कर सकते हो, आप कहोगे यार पहला डिफरेंस क्या करो, पहला तो डेफिनेशन हो गया सबको पता है, फिर दूसरा आप देख लिया करो कि भाई पीरियड हो गया, बाद में हुआ पहले हुआ ये हो गया, अपनी तरफ समझ रहे हो। चलिए इलीगल एग्रीमेंट, देखो वर्ड क्या लगा है इलीगल, इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, इसलिए इसने एग्रीमेंट लिखा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। हाँ इलीगल वर्ड का मतलब होता है, सुनो मैंने कहा आपको, आपके मम्मी जी ने कहा पानी का गिलास पकड़ा दो, ठीक है आपने कहा दे रहा हूँ, वो एक एग्रीमेंट तो हो गया, वो कोर्ट में जा नहीं सकता क्योंकि फैमिलियर है बेटा। अब ये कह रहा है इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड तो होता है, हर चीज वॉइड होती है ना, हर चीज जो वॉइड होती है वो इलीगल नहीं होती, अगर वो इलीगल है तो वॉइड भी है प्लस उसमें सजा भी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? अब आप कोई भी कोई वॉइड काम करते हो, छोटा मोटा वॉइड काम करते हो, जैसे थिएटर के बाहर ब्लैक में टिकटें बेच रहे हो, लेके तो नई मूवी लगी सारी टिकटें पहले खरीद लेते हैं, फिर लोग आते हैं 50 की 60 बेचते हैं, पहले होता था ये काम, अब तो नहीं होता, आजकल कम करते नहीं, वो देखेंगे आपको थोड़ा सा कैक हो गए जुर्माना लगा छोड़ देंगे। अब ऐसे आप मिलिट्री एरिया में जाके वहाँ फोटोग्राफी करो, पता नहीं यार यहाँ भी है यहाँ पे है, कर लेना 100-200 लेके छोड़ देंगे, तेरे को छोड़ देंगे, इसका मतलब तो जासूसी कर रहा है, इलीगल है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हर चीज वॉइड होती है ना वो इलीगल नहीं होती, हर चीज जो जो इलीगल नहीं,
इलीगल है वो वॉइड होगी, प्लस उसमें क्या है पनिशमेंट भी होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जनरली स्पीकिंग एन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बच्चा को लिया पैसे देके, इलीगल है वो, कॉन्टेक्ट वॉइड है, वॉइड होने के साथ साथ क्या है इलीगल भी है। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे आप दोनों ने मिलके कहा कि शाम को खाना चलेंगे, ओके कॉन्टेक्ट है, फिर आपने कहा कि नहीं चलूंगा, तो वो बेटा कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा, वो वॉइड हो गया। अब उसमें कोई सजा इलीगलिटी है? गैर कानूनी काम किया, खाना नहीं खाने गया तू मेरे साथ, गैर कानूनी है बेटा? नहीं है, वॉइड है, वो बेकार है, बोलो है या नहीं? समझ रहे हो मेरी बात को? सच एज एग्रीमेंट मे बी इधर बी अगेंस्ट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मतलब हमारे हिंदुस्तान के कानून के अगेंस्ट, लॉ ऑफ द लैंड, और अपोज द पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। पब्लिक पॉलिसी होती है भाई जो समाज में रहते हैं समाज के अकॉर्डिंग चलते हैं, समझ हो, जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है या नहीं चलना पड़ता? पब्लिक पॉलिसी ओट टू बी क्रिमिनल और इमोरल इन नेचर। इमोरल और नेचर में मतलब जो आपकी कानून के अगेंस्ट हो, या पब्लिक पॉलिसी, या पब्लिक पॉलिसी आप समझते हो कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, ये धार्मिक स्थान है सभी के, वहाँ पर कोई जाके गलत काम करता है तो वो पब्लिक पॉलिसी के क्या है अगेंस्ट है, इमोरल है वहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ बैठ रहे ऐसा बैठना, पार्क में बैठो, अपने घर जाके बैठो, मंदिर में क्यों बैठे हो? इमोरल है, क्या है बेटा? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। समझ आ गई मेरी बात? आप जाके वहाँ पर गलत चीज करते हो, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो कोई, समझ रहे हो, तो वो क्या मान जाएगी? इलीगल मान जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? द टर्म्स इलीगल एग्रीमेंट है नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहते हैं इलीगल को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं कर रखा, बट दूसरे एक्ट में किया हुआ है, ठीक है। हाउएवर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुली। कहता है इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट की डेफिनेशन यहाँ नहीं दे रखी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ इलीगल का फिर मतलब क्या लेंगे? जो कॉमन पैरलेंस में लेते हैं, कॉमन पैरलेंस का मतलब जो इलीगल बोलने में आम लोग उसका क्या मतलब समझेगा? अच्छा, जो बोलता है भाई गलत काम कर रहा है, जो इलीगल है ये, अच्छा वो लो पढ़ क्या है? लोग इलीगल बोलते क्या समझते हैं? आपके पापा मम्मी फैमिली में बोलते बहुत सारे इलीगल, उन्होंने वो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो इलीगल किसको मानते हैं, है ना? तो वो इलीगल का मतलब यहाँ लिया जाएगा। ये बात ध्यान सुने ना, कहता है कि इलीगल हम इन इन कार्यों को इलीगल मानेंगे जो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो कानून के द्वारा क्या किया है, बंदिश लगा रखी है, प्रोहिबिशन लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कहता है ऐसे नेचर की है, अगर उनको परमिशन दे दी जाए तो उससे हमारा जो लॉ है ना वो डिफीट कर जाएगा, मतलब लॉ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते पैसा देके, अगर ये छूट दे दी जाए तो फिर बेटा हमारा लॉ ही खराब हो जाएगा, फिर तो गलत काम से हो जाएंगे, ठीक है जी। और कोई ट्रांजेक्शन क्या फ्रॉडलेंट है, क्या बेटा किसी के साथ फ्रॉड किया गया है, तो वो भी क्या मानी जाएगी? इलीगल मानी जाएगी। ये पढ़ रहा बेटा आगे, एक वकील का फोन है, सारे इलीगल मतलब ये छह लिखे हुए ना उनको इलीगल माने हो गए। चार नंबर कहते हैं इट इन्वॉल्व्स इंप्लाई इंजरी टू किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, कहते हैं इसकी फैक्ट्री में आग लगा दे ये ले 10,000, आप किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे हो, वो नुकसान पहुंचा रहे हो, वो वैलिड है? किसी की धान फसल पकी हुई है और कहता है इससे लड़ाई है, कहता है इसके जोने में आग लगा दे, पका हुआ है, समझो इंजरी पहुंचा रहे हो किसी प्रॉपर्टी में आप। द कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल, आपको कोई केस जाता है और कोर्ट उसे इमोरल मानता है, अनैतिक मानता है, समझ रहे हो, तो बेटा वो क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा, ठीक है। द कोर्ट रिगार्ड इट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट कहता है कि ये सामाजिक हित में नहीं है, पब्लिक हित में नहीं है, ऐसा अगर करेंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, तो वो भी क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है बेटा, किसी गांव में पुराना में जो बैकवर्ड एरिया है वहां सरपंच होता है और भी होता है, वो सजा अपने तरीके से देते हैं किसी को,
इसको उस पर बिठा के काड़ा मुंह करके घुमाओ या ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ, आपने देखते न्यूज में आजकल होता है, तो वो गलत है बेटा। अब वो बुलाते हैं जी, वो मान लो उसकी कोई अगेंस्ट केस कर दे, कहते जी इसने गलत काम किया था इसलिए हमने इसको सजा दी थी, निवस्त्र घुमाया या उस पर घुमाया, तो आप कौन होते हो सजा देने वाले? अगर ऐसे सजा देने लगे तो हमारा मैसेज गलत जाएगा, इमोरल गलत काम हो रहा है हमारा, और केरल वाला चल रहा है, चाहे उसने किसी भी सजा दी हो कुछ भी दिया हो, गलत है बेटा वो, ठीक है, इमोरल है वो। द कोर्ट रिगार्ड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कहते कोर्ट कहते हैं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, तो इन सबको हमने क्या मानेंगे बेटा? अनलॉफुल मानेंगे, और अनलॉफुल वैलिड नहीं रहेगा, मतलब इलीगल है, ठीक है जी। इलीगल एग्रीमेंट इज अनलॉफुल बट एव, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान सुनना, इलीगल एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, इलीगल एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, जो इलीगल होते हैं वो क्या होते हैं? अनलॉफुल होते हैं, बट एवरी अनलॉफुल एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग वाली है, दोबारा पढ़ना, अब बच्चा कहता है सर इलीगल और अनलॉफुल तो एक ही मतलब होता है, थोड़ा सा फर्क, सुना जरा, इलीगल एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं? अनलॉफुल होते हैं, बट जो एवरी अनलॉफुल है ना वो इलीगल होने जरूरी नहीं है। अब सुनो, पहले तो बड़ा आराम से, मतलब अनलॉफुल का मतलब क्या है? जो कानून में लिखा है आप उससे अगेंस्ट काम करते हो तो उसे उसे हम क्या मान लेंगे? अनलॉफुल। ध्यान से सुनो बेटा, खुद से समझ आएगा, जो कानून में लिखा है आप उससे क्या करते हो? अगेंस्ट काम करते हो। जैसे कानून में लिखा कि बच्चा आप अडोप्ट नहीं कर सकते पैसे दे के, ठीक है, आपने पैसे दे के बच्चा अडोप्ट किया, अनलॉफुल हो गया, और वो गैर कानूनी भी है, इलीगल भी है, सुना है कि नहीं है? इलीगल एग्रीमेंट इज अनलॉफुल बट एवरी अनलॉफुल एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, कि जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? इलीगल हो। अनलॉफुल को जो कानून में लिखा हुआ है ना आप उसके अगेंस्ट काम नहीं करते, उससे रिवर्स करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, कानून में ये लिखा हुआ है कि कानून में लिखा है कि आप किसी से कांटेक्ट करते तो उसको परफॉर्म करना चाहिए, किसमें लिखा हुआ है? अब आपने वो कांटेक्ट परफॉर्म नहीं किया, कांटेक्ट क्या नहीं किया, तो वो बताओ क्या हो गया? अनलॉफुल, नहीं अनलॉफुल। अरे कानून लोग ही नहीं माने ना, कानून वाले लोग ही नहीं माने ना, पूरा नहीं किया ना आपने, वो अनलॉफुल हो गया। आप कहते अनलॉफुल हो गया, हाँ, अब वो कहता जी अनलॉफुल हो गया, कॉन्टैक्ट तोड़ेगा, कंपनसेशन लगेगा, जो भी है, बट वो इलीगल नहीं होगा। इलीगल होगा तो उसको सजा भी हो जाएगी, वो ठीक है मैंने तोड़ा है, जो पेनल्टी वो ले लो, ये पैसे डबल ले लो, है बेटा। हाँ, रेड लाइट आपने क्रॉस कर दी, वो अनलॉफुल है, इलीगल नहीं माना जाएगा। वो रेड लाइट वाला एग्जाम्पल हो गया, जैसे रेड लाइट आप क्रॉस करते हो, वो गैर कानूनी है, गलत किया आपने, आप पे पेनल्टी लग जाएगी, चलान कट जाएगा आपका, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप होना, ग्रीन का मतलब होता है जाना, ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिखे हुए ये वाले बातें, ठीक है। तो ये अनलॉफुल है, मोटर व्हीकल एक्ट का आपने फॉलो नहीं किया, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ कि रेड लाइट होती है तो उसमें आपको रुकना होता है, जेब्रा लाइन क्रॉस नहीं करनी होती, वो जो आगे लगी होती है आपने की, वो क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया, लेकिन इलीगल नहीं है वो। दोनों में फिर पता लग रहा है क्या? थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस, मतलब आपको उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपने जो लॉ में लिखा है उसके अगेंस्ट किया है, ठीक है, लेकिन आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने किसी प्रॉपर्टी की आग लगा दी, किसी की लड़ाई कर ली, किसी को लूटपाट कर ली, वो क्या है? अनलॉफुल है, इलीगल भी, गलत कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे किसी को, समझ आए कि नहीं? अब आप बिना हेलमेट के जा रहे हो, चलान कटेगा, अनलॉफुल है, इलीगल नहीं है, शील्ड बेल्ट नहीं लगाई, अनलॉफुल है, इलीगल नहीं है, तीन बैठे हो, ओवर स्पीड, अब सारे एग्जांपल आगे मोटर व्हीकल एक्ट के, ठीक है, चलिएगा।
इट इज ट्रू दैट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज अनलॉफुल बट एवरी अनलॉफुल एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल। ठीक है जी। सर जी इलीगल क्या होते हैं फिर? इलीगल बेटा ये जो छह दिखाए ना अपने छह ऊपर, ये इलीगल के एग्जांपल है। आप देखो पहला कौन सा है, नवीन बोल जल्दी, पहला कौन सा है? दूसरा मतलब उसको परमिशन दे दी तो हमारा कानून की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आगे फ्रॉडलैंड और नुकसान पहुंचाने किसी को और गैरनैतिक, इसमें सेक्सुअल केस ये सारे आते हैं। आगे बात समझो, चलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए तो उसके बाद कहता है इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सुनो जरा, वॉइड एग्रीमेंट क्या लिखा बेटा? मतलब इफेक्ट पहला ये है कि वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, इलीगल है ना, वॉइड हो जाएगा। नंबर टू, अब ये बताना पड़ेगा कोलेट्रल एग्रीमेंट वॉइड। कोलेट्रल एग्रीमेंट वॉइड ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोलेट्रल का मतलब उसके पैरेलल, दो 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 पैरेलल, कोलेट्रल मतलब उसके पैरेलल। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए आप अपने यहाँ पर जॉब पे रखते हो, क्या रखते हो? जॉब पे आपकी मान लीजिए शॉप है, क्लोथ की शॉप है, उसको कहते हैं सुबह आपको 12 बजे आना है और शाम को 7 बजे तक काम करना है। हेलो 12 से 7, 7 बजे छुट्टी, कहता 7 बजे के बाद 1 घंटे तेरा रेस्ट है, 8 बजे कहता मेरी वाइन शॉप पे आना तूने, इसकी वाइन शॉप भी है और राजस्थान में रूल है बेटा 8 बजे वाइन शॉप बंद हो जाती है, अगर कोई खोलता है तो इलीगल है। राजस्थान गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है 8 बजे के बाद शराब की दुकान खुली हुई नहीं होनी चाहिए, ये रूल है यहाँ पर। यहाँ पे तो रूल यही है, कई स्टेट में तो बंद ही है, जैसे बिहार में गुजरात में बैन है, बिकती नहीं, इलीगल है, बंद है वहाँ पे तो परमानेंटली। बात समझ आज बेटा? उसको कहा कि रात को फिर आप चलते तो 8 बजे बंद है लेकिन लोग बेचते हैं, आपको पता ही वो शटर के नीचे से साथ में एक हॉल सा रखते हैं, जो भी उनका सिस्टम बना रखा उन्होंने। ठीक है जी, कहता 12 से 7 आना है, फिर तेरे को 8 से 11 आना है रात को, क्या सैलरी के तो 25,000 डबल काम कर। ठीक है, अब बताओ दो एग्रीमेंट है ना, एक तो कौन सा 7 11 12 से 7 वो लीगल है और वो वाला क्या है? लीगल काम के लिए है ना। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो कोलेट्रल एग्रीमेंट इज वॉइड, उसके साथ जो एग्रीमेंट है ना वो भी वॉइड होगा। अब सुनना कैसे, एवरी कोलेट्रल एग्रीमेंट टू बी इलीगल एग्रीमेंट इज आल्सो बी वॉइड। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट इफ द मेन एग्रीमेंट वर वॉइड बट नॉट इलीगल, इट कोलेट्रल एग्रीमेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड। समझ आ गई बात मेरी? अगर आपने इलीगल के पैरेलल कोई किया है, इलीगल के पैरेलल कोई कॉन्टेक्ट किया है तो वो भी क्या होगा? वॉइड होगा। जैसे एग्जाम्पल चोरी करने गए थे, ऑटो वाले को ले गए, ये एग्जाम्पल दिया था पहले मैंने आपको, याद आ गया मेरे को। तो ऑटो वाला कहता, ऑटो वाले से पूछा भाई हम जा रहे हैं सामान लेने, कहता तूने चोरी नहीं करनी, तेरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तूने तो बाहर खड़ा होना है, हम वहाँ से सामान लाएंगे और तेरे ऑटो में रख के ले जाएंगे, ठीक है तेरे को ऑटो यहाँ से और वहाँ तक तेरे को 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये जो तू लेगा वो ले लेना। चोरी ऑटो वाले ने की, ऑटो वाला वहाँ खड़ा था, वो गए अपने आराम से सामान ले गए, ऑटो में रख के आए, वो वहाँ छोड़ के अपने घर आ गए। अब बताओ वो जो एग्रीमेंट उनका था ऑटो वाला का, वो वैलिड था वो नहीं? इलीगल के पैरेलल है ना वो बेटा, वो इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व है चोरी का सामान लाने में, उनकी एक तरीके से हेल्प ही कर रहा है वो, देखा जाए वो कहते हेल्प क्या, दिन में भी सामान ले जाता हूँ मैं लोगों का पैसे लेके, वो तो खरीद के ले जाते हैं दुकानों से, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कहता मैं भेदभाव करता ही नहीं कौन चोरी का, मैं तो अपनी मेहनत की है, लेकिन वो नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, एवरी कोलेट्रल एग्रीमेंट टू एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड, इट शुड बी नोटेड दैट, ये ध्यान रखना है, इफ द मेन एग्रीमेंट वर वॉइड, मेन एग्रीमेंट कौन सा था? चोरी वाला, बट नॉट इलीगल। कहता अगर मान लो वॉइड हो और नॉट, अगर वो वॉइड और इलीगल ना हो, मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइड भी है रे, मैंने एग्जाम्पल है वो इलीगल भी है चोरी वाला, अगर वॉइड और क्या ना हो बेटा, इलीगल ना हो, इट्स कोलेट्रल एग्रीमेंट वुड नॉट बी इफेक्टेड। अगर सिर्फ वो वॉइड है तो उनका उसके जो पैरेलल है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सही है। अगर इलीगल है और फिर पैरेलल है फिर नहीं माना जाएगा। वॉइड तो सिंपल वॉइड, जैसे कि किन्नू वाला दिया था एग्जाम्पल है, वो वॉइड था, चोरी वाला दिया था वो इलीगल था। अब वो किन्नू वाले के पैरेलल कोई होगा तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई?
वॉइड प्लस इलीगल होगा तो वो नहीं माना जाएगा, समझ आ गई। नेक्स्ट, लीगल पार्ट इनफोर्सेबल, क्या लिखा बेटा, लीगल पार्ट इनफोर्सेबल। अब ये कहता है इन एनी, अगर मान लीजिए कोई कोलैटरल कोई एग्रीमेंट है इलीगल, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये वैलिड का है और ये इनवैलिड का है। कई बार जैसे एग्जांपल दिया, उसने कहा कि 25,000 रुपये दूंगा, उसमें मेरे को पता ही नहीं कि कौन सी सैलरी उसकी लीगल की है कौन सी इकट्ठा था। कहता अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या हो बेटा, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो लीगल वाला लीगल रहेगा और इलीगल वाला इलीगल रहेगा, अगर कर सकते हैं तो। देखना, लीगल पार्ट इन्फोर्सेबल, इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल एग्रीमेंट इज इलीगल द होल एग्रीमेंट विल बी लीगल एंड वॉइड। अगर आपका सिंगल एग्रीमेंट है तो पूरा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, इलीगल और वो वॉइड होगा। बात सही है बात। हाउएवर, लेकिन वेयर द एग्रीमेंट कंसिस्ट टू पार्ट, एग्रीमेंट के कितने पार्ट है, दो पार्ट है, ठीक है, वंस लीगल एंड अदर इलीगल, एक तो लीगल है और दूसरा इलीगल है, एंड दे आर सेवरेबल और सेपरेटेबल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जाए बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, द लीगल पार्ट इज इन्फोर्सेबल एंड इलीगल पार्ट विल बी वॉइड। तो लीगल पार्ट क्या माना जाएगा, इन्फोर्सेबल माना जाएगा, और वो क्या माना जाएगा, आगे बात समझे। तो उसको कहा कि हाउएवर वेयर द एग्रीमेंट कंसिस्ट टू पार्ट, अब टू पार्ट देखो मैं बना रहा हूं इसके, एक एग्रीमेंट किया शॉप क्लोथ शॉप पे काम करेगा 12,000 रुपए हो गया जी, क्लोथ शॉप पे काम के लिए ओके, कितनी सैलरी कह रहा जी 12,000 रुपए मिलेगी, क्लोथ शॉप पे काम करेगा 12 से 7 ओके। फिर वो कहता है सेठ जी मेरे को कोई एक्स्ट्रा काम है तो दे दो, क्या, हाँ है, 8 से 12 ठीक है, सैलरी सैलरी जो भी 10,000, कहता 8 से 12 क्या करना पड़ेगा, क्या वाइन शॉप शटर के नीचे से, समझ रहे हो, वो उसके मैं तेरे को अलग से 10,000 रुपये और दूंगा। अब बताओ कितने एग्रीमेंट हो गए, दो, अब दोनों सेपरेट है बेटा, वो पहला अलग था ये अलग है, तो अब इसको ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल पैरेलल है, ये भी इलीगल है नहीं, ये दुकान पे जो तनख्वाह लेता है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसका, सेपरेटेबल है दोनों के दोनों, समझा कि, तो इस केस में दोनों सेपरेट माने जाएंगे, वो रात वाला इलीगल होगा वैलिड नहीं होगा और वो वैलिड होगा, आगे बात समझे। ठीक है जी, अगर सेपरेट है अलग अलग दो पार्ट्स हैं तो वैलिड वाला वैलिड रहेगा, इनवैलिड वाला इनवैलिड रहेगा, ओके। पनिशमेंट मिलेगी, द पार्टी टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर पनिशेबल एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, हमारे इंडियन कानून के अंतर्गत जो भी है उसको सजा मिलेगी। ठीक है जी, सिमिलरिटी एंड डिस्टिंक्शन डिफरेंस, अब किसके अंदर, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, समझ आ गया, वॉइड एग्रीमेंट लिखने से पहले सोचो वॉइड होता क्या है, हाँ वो होता है इलीगल एग्रीमेंट, आपने पढ़ लिया जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना, पढ़ लेना। उसके बाद आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये जबरदस्ती बनाया गया है, अनइन्फोर्सेबल का मतलब ये है कि जिसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, जिसमें टेक्निकली कोई डिफॉल्ट है, जैसे कुछ कंप्लायंस करनी थी, वो तो उसका टाइप ही है ना, है ना, कुछ कंप्लायंस करनी थी और आपने वो कंप्लायंस नहीं की सर, जैसे कि अपने कोई एग्रीमेंट लिखते हैं, ये एग्जांपल बार बार देता हूँ, वो ड्यूटी होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, स्टैम्प ड्यूटी मतलब, स्टैम्प ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, भाई आप इतना गवर्नमेंट को आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करना होता है, स्टैम्प पेपर बोलते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो एक तरीके का टैक्स देते हैं, 100 के लिख लो, 50 पे लिख लो, 500 पे लिख लो, स्टैम्प होता है ना, वो एक तरीके का आप गवर्नमेंट को क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो आप वो स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट में काम एग्रीमेंट होता है ना उस स्टेट को मिलती है। अब ठीक है, अब अपने यहाँ पर पार्टनरशिप डीड लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड कहाँ, राजस्थान में, तो 2,000 के स्टैम्प पेपर पर लिखते हैं, पंजाब में 500 पे लिखते हैं, हाँ फिक्स की हुई है, इससे कम पे लिखोगे तो वैलिड नहीं है वो। अब आपने कहा यार स्टैम्प पेपर चाहिए 10 वाले पे लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड का डिफाइन है कि इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करके लिखोगे आप, तो आपने वो नहीं किया, या कहीं कहते छोड़ना व्हाइट पेपर पे लिख ले, A4 साइज से प्रिंट निकालते हैं, तो टेक्निकल डिफॉल्ट है उसमें, आपने कंप्लायंस नहीं की, कंप्लायंस नहीं होगी, टेक्निकल डिफॉल्ट है उसके अंदर,
सब तुम बढ़िया है, लेकिन जो आप कंप्लायंस करी थी वो नहीं की, आपने उसे नोटरी नहीं कराया, वकील से अटेस्टेड जो होता है, उसमें बायर सेलर के साइन नहीं है, गारंटर के सेलर साइन नहीं है, ठीक है जी, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा फिर, उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है उसमें, क्या बेटा टेक्निकल डिफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो वो इन्फोर्सेबल रहेगा, उसको इन्फोर्स नहीं कर पा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट है सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कानूनी क्या रहेगी, कमी रहेगी, टेक्निकली क्या रहेगी, कमी रहेगी, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच गुड इन सब्सटेंस बट कांट बी फोर्स्ड इट इन ए लो कोर्ट ड्यू टू सम टेक्निकल, कहते कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है लेकिन कुछ इसमें डिफेक्ट होते हैं टेक्निकल, इस वजह से इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, इज सेड टू बी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, टेक्निकल डिफेक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मे बी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सम ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटी, आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, मतलब अनुपालना नहीं करें लीगल फॉर्मेलिटी की, जैसे स्टैम्प पेपर भी होना चाहिए, नोटरी होना चाहिए, बायर सेलर के साइन होने चाहिए, ठीक है जी, फॉर इंस्टेंट ए पर्टिकुलर लॉ मे बी रिक्वायर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, मान लो एग्जाम्पल दे रहा, फॉर इंस्टेंट का एग्जाम्पल कि ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा लॉ है जिसमें यह कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, रिटर्न में, आप कोई चीज प्रॉपर्टी बेचते हो खरीदते हो तो वो ओरली हो जाती है, रिटर्न में होनी चाहिए ना, और आप रिटर्न में करते नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया है, इलीगल नहीं है सारा, एक टेक्निकल डिफेक्ट है इसके अंदर, आपने रिटर्न में नहीं किया उसको, ये एग्जांपल दिया इसने, ठीक है जी, आप कहते हो कि मस्ट बी रिटर्न, विटनेस होना चाहिए, मतलब गारंटर के साइन होने चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैंप समझ गए, रजिस्टर्ड समझ गए, इन सच ए केस द कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड, मतलब वो तहसील में रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड है ना, इन सच ए केस द कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स इफ ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी आर नॉट कंप्लायंट विद द प्रॉपरली, अगर आप ये नहीं करते तो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, इवन द एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द विटनेस ऑफ द स्टैम्प और लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड टू बी डीड मे बी रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल, मतलब उसमें लेसर जो किराया भी देता है उसको लेसर लेसी दो होते हैं ना बेटा, वो उसके साइन नहीं है, किसी और पार्टी के साइन नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा, एज सून एज द टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव्ड, अगर वो टेक्निकल डिफेक्ट है आप क्या कर देते हो, हटा देते हो, मतलब उसको पूरा कर देते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इन्फोर्सेबल हो जाएगा, मान लो उसमें स्टैंप नहीं लगी हुई थी या नोटरी करवा लिया आपने, बायर सेलर का साइन नहीं करवा लिया आपने, तो वैलिड हो जाएगा, समझा ये अपना कंप्लीट हो गया अपना, इसके बाद ये एग्जाम्पल दिए हुए पढ़ लोगे, अब आप अपने एक ही क्लासिफिकेशन किया है एग्रीमेंट का भी, किसके आधार पर, लीगलिटी या इन्फोर्सेबिलिटी, उसके कितने थे पार्ट, छः, अब कहता है कि दोबारा क्लासिफाई करो, दोबारा से करो, फिर कैसे, मैंने कहा था पहला इंटेलिजेंसी के बेस पे, दूसरा हाइट के बेस पे, एग्जांपल दिया था ऐसे ही, अब कहता है अकॉर्डिंग टू मोड, मोड का मतलब कॉन्टेक्ट कितने तरीके से किया जा सकता है, समझा क्या, मोड के हिसाब से, मोड का मतलब तरीका, मोड कहता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ परफॉर्मेंस, मोड ऑफ कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कितने तरीके से कर सकते हो, सुनो बेटा बिल्कुल ईजी है, नंबर वन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे उसने रखा कि आप अपनी कार मेरे को 1,00,000 भेज दो, वो कहता हाँ मैं भेज दूंगा, ओके, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ओरली भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो, स्पष्ट आपने बता दिया, उसने स्पष्ट आंसर दे दिया, चाहे बोल के लिखा हो चाहे रिटर्न में लिखा, अब बच्चा कहता सर बोल के तो होता नहीं, मैंने ये कब का बोल के नहीं होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट में मान लो ये लिखा है कि रिटर्न में होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी के किस में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, समझ रहे हो, वो बता रहा था, आगे बात समझे, तो एक होता है एक्सप्रेस, ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस व्हेन द पार्टी स्टेट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड शो देयर असेंट बाय वर्ड्स ईदर ओरल और रिटर्न, मतलब पार्टी दोनों अपनी कंसेंट दे दी है, जो जो कंडीशन थी सारी बता दी, बोल के लिख के जो भी था, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, आगे बात समझे, उसके बाद इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बिना बोले विदाउट वर्ड्स विदाउट रिटन, बिना बोले बिना लिखे, इन अदर वे में होता है, इंडिकेशंस में होता है, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप करते हो, आप बाहर निकलते हो ऑटो आ रहा, आप ऐसे हाथ करते हो, आपने प्रपोजल रखा ऐसे हाथ रखते, आप ये नहीं कहते मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, वो तो मजाक के मूड में, अलग बात है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसे करता है उसका क्या मतलब होता है, डाउट है, मैंने सोचा क्लास पोज, हाँ बेटा डाउट, नहीं सर मैं तो हाथ से, मेरी बात समझ रहे हो क्या, क्लियर है, तो आपने ऑटो वाले को ऐसे हाथ किया, इसका अलावा आपने क्या रखा है, किसी ऑटो रोक लिया, वो आपके आगे ऑटो रोक दिया, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं,
क्या वो ऐसे कर देता है, पड़ जा पीछे आई बात सुने, तो उसने क्या दे दी एक्सेप्टेंस। अब वो चला गया जी, आप स्टेशन के सामने पहुंचा तो पैसे हाथ लगा रोक दिया उसने, उतर के उतर गया लो पैसे। अच्छा पैसे लेता है क्या तू, हमें तो बताया नहीं था, तू तो बताया नहीं मैं पैसे लेता हूँ। कहता जब तूने ऐसे किया था ना तो मैं ये समझ रहा था कि तू रुकवा रहा है मेरे को पैसे देगा, तो मैं बोला ही नहीं ना, मैं लिख के दिया तो हमारे अबोर में तो इसका मतलब ऐसे होता है बस हाथ कर आपने रोका मैं बैठ गया। बोलो सही है क्या, वेर ए कॉन्टैक्ट इज मेड अदरवाइज देन वर्स, मैं गलत थोड़ा था, अदरवाइज देन वर्स इज सेड टू बी इम्प्लाइड, एन इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट अराइज फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट, एक्ट जो आप कर रहे हो कंडक्ट जो आचरण कर रहे हो आप ये इससे होता है, ऑफ द पार्टी बाय देयर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कौन से एक्ट करते हो आप, समझ आ गई, इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट तो पैसे ले सकता है भाई साहब आपसे, समझ आ गई क्या। उसके बाद आता है टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, एटीएम मशीन टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट में आती है, जैसे कि सुनना इसने ये दिया कहा, फॉर एग्जाम्पल कैश विड्रॉल बाय कस्टमर फ्रॉम द बैंक एटीएम, तो टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, आप एटीएम मशीन में कार्ड लगाते हो, एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए लाते हो, उसके बाद बैंक को कहते बैंक मेरे पैसे कम कैसे हो गए, मैं तो लिए ही नहीं, मैं तो कॉन्टैक्ट किया ही नहीं आपसे, तो आपने वो मशीन से जो किया ना वो टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, समझा क्या। कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, समझा गया मेरी बात, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये, टैसिट बोलेंगे इसको, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आता क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्वासी सही है वैसे तो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सुनना बेटा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब एक पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी पर किस पे वो कॉन्ट्रैक्ट थोप दिया जाता है, उसकी हाँ या ना नहीं पूछ जाती करना है, जैसे पिताजी ये काम करना है, कदम मेरे मन कदम पूछा किसने, बता रहा हूं मैं तो, ठीक है एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी की इच्छा चलती है और दूसरे के ऊपर ये थोप दिया तो ब्लेम कर दिया, उसको करना ही करना पड़ेगा। जैसे आप आते हो यहां पर गंगानगर से अबोर से गंगानगर, तो ये फोर लाइन हाईवे बनाया अपना, तो उसे बहुत से मकान बीच में आ गए थे बेटा, अभी तो कई जने बीच में लेके बैठे छोटा सा मकान कि हमें मुआवजा कम मिला है ज्यादा मिला है, तोड़ नहीं रहे सड़क के बीच में मकान है अभी तोड़ नहीं रहे वो, हाँ यहाँ पर किधर आड़ी के पास भी बैठे किनारे किधर भी बैठे है, ठीक है। तो वो कहता जी ये हाईवे बन रहा है उसका मकान बीच में आ गया, कहता मैं तो नहीं तोड़ूंगा, आप अपनी ये जो रोड है ना इसको स्टेडी कर लो, ये मकान है कहता ऐसे निकाल लो आप इसको, ऐसे तो हर एक जगह फिर सांप बनेगा ये तो सड़क थोड़े बनेगी, वो अगले मकान वाला कहेगा यूं कर ले, वो कहेगा यूं कर ले, अब और 45 किलोमीटर फिर तो 70 किलोमीटर हो जाएगा, यूं यूं खेलते रहेंगे, कहते वो तो मंदिरों में हम वैसे ऐसे ऐसे होते हम यहाँ पे करेंगे, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जिग जैक कर देंगे तो जिग जैक। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसको एक्वायर कर लेती है लैंड को, गवर्नमेंट क्या करती है इस लैंड को एक्वायर, वो कहते हम बेच रहे हैं, पूछ छोड़ रहे हैं हम खरीद रहे हैं, तेरे को मुआवजा मिल जाएगा कंपनसेशन मिल जाएगा जो आएगा, गवर्नमेंट अब मिलिट्री एरिया जाता है गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, वो कहता मैं तो नहीं बेचता, कहता इच्छा नहीं है ये एक्वायर होएगी और इसका कंपनसेशन आपके घर आ जाएगा, कहता मैं कॉन्टैक्ट करें, तो ऐसे कॉन्टैक्ट है ना हर कोई नहीं, ऐसे कोई सेठ आए ये मकान पसंद आ गया ये पकड़ पैसे चल, कहता नहीं बेचता ऐसे कैसे नहीं बेचता, वहां गलत हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब पब्लिक इंटरेस्ट में हो, किस में हो, अब ये सड़क टेढ़ी हो जाए पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, सीधी जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो तोड़ दो इसको पब्लिक इंटरेस्ट में है, नुकसान हुआ है हम भोजन मिल जाएगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे पे क्या करती है थोप दिया जाता है उसको पूरा करना पड़ता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पब्लिक है, नहीं तो जो भी बनी वाले पैसे हो तो हरेक पे थोप दे फिर ऐसे, तो ये ध्यान रखना किसमें होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट। एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नोट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कहता देखो सीधा साफ बोला बेटा, कहता रिजल्ट से एग्रीमेंट से नहीं होता एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय द लॉ, कानून द्वारा क्या किया जाता है इम्पोज कर दिया जाता थोप दिया जाता है, ठीक है जी, इम्पोज बाय द लॉ ऑन द पार्टी एंड गिव रेज टू ऑब्लिगेशन सिमिलर टू दैट अराइज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कहते इसमें सेम
राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं जैसे नॉर्मल में होते हैं, लेकिन उससे पूछा नहीं जाता, ठीक है जी। है ए कॉन्ट्रैक्ट ही, द पार्टी डू नॉट इंटेंसली मेक सच ए कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंसली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कहते मेरी इच्छा नहीं, कहते इच्छा पूछी किसने है, इंटेंसली होता ही नहीं है, समझाएगा, माना जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट ही। और ये सार लिख लो, ये तब होता है जब पब्लिक पॉलिसी के पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ये भी लिख लो इसमें। ये किसके बेस पे था बेटा, मोड के, पहला किस पे बेस पे था, लीगलिटी, लीगलिटी इन्फोर्सिबिलिटी या लीगलिटी, दूसरा मोड, थर्ड है एग्जीक्यूशन, किसके बेस पे, आप ये भी लिख सकते हो परफॉर्मेंस के बेस पे, दूसरा वर्ड क्या है, परफॉर्मेंस के बेस पे। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चीज को पूरा करना, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो अब किसके क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू, और इसने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, मतलब एग्जीक्यूशन के आधार पे, कॉन्टेक्स्ट के टाइप, एग्जीक्यूशन का मतलब पूरा करना, कहता है इस चीज को एग्जीक्यूट करो, इसको पूरा करो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के बेस पे भी, जैसे राम ने कहा मैं 1,00,000 में कार बेच दूंगा, तो उसने पैसे दिए, उसने कार दे दी, तो कॉन्टेक्ट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के बेस पे कितना, एग्जीक्यूशन के बेस पे या परफॉर्मेंस के बेस पे, बात क्या है, एक ही है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, एग्जीक्यूशन के बेस पे कॉन्टेक्ट कितने टाइप का हो सकता है, लिसन मी। नंबर वन, इधर देखो बेटा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुन लो बेटा प्लीज, 10 मिनट हो रहे हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या बेटा, एग्जीक्यूशन वाला परफॉर्मेंस। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो राम ने अपनी कार शाम को 1,00,000 में बेची, राम ने कार दे दी, शाम ने 1,00,000 रुपए दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टियों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन, अपना अपना राइट क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, that is executed past tense में क्या, deed contract, समझा क्या, वो executed का। अगला है executory contract, ध्यान से सुनना executory का please, executed contract समझा क्या। अब उसके बाद आता है executory contract, क्या था बेटा, executory contract में होता है कि जो contract agreement आपने किया है, अभी contract की पार्टियां जो है उन्होंने वो जो उसने कार देनी है, उसने पैसे देने, अभी वो obligation पूरा करना pending है, या दोनों में से एक ने पूरा कर दिया एक ने करना है, तो वो कहलाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, समझा क्या। और एग्जीक्यूटेड में दोनों ने परफॉर्म कर दिया, समझा क्या, तो ये बिल्कुल इजी है, ये हो गया। अब क्या हुआ, बहुत सी बुक्स के अंदर या बहुत से राइटर ने इस एग्जीक्यूटेड सॉरी एग्जीक्यूशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे भी समझाया है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके सिनोनियम्स यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, सिनोनियम्स, प्राइवाची, मतलब वैसे तो परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन के बेस पे क्या होता है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ठीक है। वो कहता है ऐसे भी, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हेलो, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बायोलेटर का मतलब दो, यूनिलेटर का मतलब एक, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। देखो बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा वही, ए बायोलेटर कॉन्ट्रैक्ट इज वन इज विच बोथ द पार्टी एक्सचेंज प्रोमिस टू ईच अदर, वन पार्टी प्रोमिस टू परफॉर्म सम एक्ट इन द फ्यूचर इन एक्सचेंज फॉर द अदर पार्टी प्रोमिस टू परफॉर्म सम एक्ट इन सच ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्ट ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टी आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि देखो मैंने कहा कि मैं कार 1,00,000 में भेज दूंगा, वो कहता है 1,00,000 में ले लूंगा, अब मैंने क्या प्रोमिस किया है, कार देने का, उसने क्या प्रोमिस किया है, अब सुनो, मैंने प्रोमिस किया है कार देने का, जो कार है ना, कार जो क्या है, कार वो उसके लिए कंसिडरेशन है, और वो मेरे को क्या देगा, वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, तो उसका प्रोमिस मेरा कंसिडरेशन है और मेरा प्रोमिस उसका कंसिडरेशन है, ये ध्यान से सुन लेना। कंसिडरेशन अकेला पैसे में थोड़ा होता है, इन काइंड भी हो सकता है। तो कहता बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जो होती है, दोनों पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो अपना अपना ऑब्लिगेशन फ्यूचर में पूरा करेंगे, अभी उनका पूरा करना बाकी, फ्यूचर में पूरा करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बायलेटरल। अब आता है जी कौन सा, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वैसे क्लासिफिकेशन एग्जीक्यूशन के बेस पे आए ना, तो आप ये दो लिखना, और उसके बाद क्या लिख सकते हो, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, लिख देना यहाँ पे, देखो परफॉर्मेंस लिख देना, ऑन द परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलो, इसको ऐसे भी क्लासिफाइड
किया जा सकता है। इसको ऐसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है इट इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विच वन पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, हिज ऑब्लिगेशन एट और बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड द अदर पार्टी रिमेन लाइबल टू परफॉर्म। मतलब एक ने क्या कर दिया पूरा और एक का पूरा करना बाकी है, वो क्या हो गया यूनिलैटरल, और दोनों का ही बाकी है तो बात समझ आ गई। अब यूनिलैटरल का एक रूप और होता है, तो जी बस करो बस 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 लास्ट। फॉर एग्जांपल ए पर्सन ये बोलता है, ए पर्सन क्या बोलता है, इसका एक डॉग था वो गुम हो गया, कहता जो भी मेरे डॉग को घूम के ढूंढ के लाएगा उसको 5100 रुपए का कैश प्राइज दूंगा मैं। तो प्लीज इसने प्रपोजल रखा, ये जनरल ऑफर है वैसे, ये क्या है जनरल ऑफर है भाई, इसने ऑफर रखा। अब ऑफर किसको रखा है, किसी को, कोई जो ढूंढ के लाएगा उसको। तो यहां पर ये एक पार्टी है, दूसरी पार्टी भी डिसाइड होनी है कौन होगी, दूसरी पार्टी कौन सी होगी जो डॉग को ढूंढ के लाएगी। ये भी यूनिकोट्रल यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है, ये एडवांस लॉ में भी लिखी आपके लिए बता दें, समझा क्या। इस प्रकार से हमारे चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये क्लास बेटा मैंने रिकॉर्ड हो गई है, अगर किसी को डाउट हो तो आप ये क्लास वापस से लगा लेना, ठीक है। जय श्री श्याम।